हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल आई लव टू प्लांट के इस नए एपिसोड में। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आप सभी को पता ही होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्न की एक वेराइटी है। तो फर्न में बेसिकली दो वेराइटी, बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, बट मोस्ट कॉमनली दो वेराइटीज़ हैं जो हमारे इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं या जिन्हें आप कॉमनली कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, जिसमें से पहली वेराइटी ये है और दूसरी है बॉस्टन फर्न, जो कि येलो कलर का होता है। तो जो ये वेराइटी है इसमें और बॉस्टन फर्न में ये डिफरेंस होता है कि इस वाली वेराइटी में लीव्स ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स बहुत ही लंबी हैं। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि फर्न में न्यू लीव्स इस तरीके से आती हैं और बेबी प्लांट्स ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रास के रूट सिस्टम जैसे ही सिस्टम होता है कि इसकी रूट्स आगे ट्रैवल करती हैं और ग्राउंड में, और जहाँ पे वो जाके रुकती हैं वो स्प्राउट होती हैं ऊपर निकल के और एक नया बेबी प्लांट निकल जाता है। तो इस तरीके से फर्न अपने आप प्रोपोगेट करता है अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं, नहीं तो आप इसे बड़े से पॉट में लगाएं, ये थोड़े टाइम में अपने आप स्पेस फिल कर लेगा। तो फर्न की जब हम बात करते हैं लाइट कंडीशंस की, तो फर्न को एक पार्शियल सनलाइट चाहिए होती है, जिसमें कि मतलब इसे ना तो ज़्यादा दिन की धूप मिले, मतलब थोड़ी बहुत इसे सनलाइट मिल जाए एक आधा घंटे की तो इसके लिए बहुत है, क्योंकि इसको क्या है कोल्ड क्लाइमेट पसंद होता है। कोल्ड में भी मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसे चाहिए होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें मिस्टिंग करता रहता हूँ या फिर स्प्रे करता रहता हूँ। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे एक दो तीन और ये एक नया बेबी प्लांट निकल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे इसकी रूट्स ट्रैवल करती हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये जा रही है। तो ऐसे ही ये प्लांट आपका प्रोपोगेट करने लग जाएगा। तो आप इसे एक थोड़े से शेडी स्पॉट में लगाएं, जैसा कि मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या है सनलाइट बहुत कम आती है। और आपको ये करना है कि या तो अगर आप इसे इंडोर लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे स्पॉट पे लगाएं जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती हो दिन में, मतलब सुबह की धूप आती हो तो बेहतर रहेगा, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करेगा। और नहीं तो अगर आपके पास नीचे जगह है तो आप इसे ज़मीन में लगा दें तो ये बहुत जल्दी प्रोपोगेट करने लग जाएगा। ये जो प्लांट है हमारा फर्न का, इसे आप कहीं से भी खरीद सकते हैं नर्सरी पे। तो ये वाली वेराइटी मुझे 50 रुपीज़ में मिल गई थी और जो बॉस्टन फर्न है वो 100 या 120 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। तो इस प्लांट की हम सॉइल कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमें इस प्लांट को ज़्यादा सॉइल पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये ध्यान रखना है कि एक वेल ड्रेन सॉइल हो और साथ में हमें इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है। हमें ना तो इसकी सॉइल को पूरी तरीके से ड्राई होने देना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉगी बना देना है, नहीं तो ये रूट रॉटिंग की वजह से ख़राब भी हो सकता है। पर नहीं तो अगर आप ध्यान रखें तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट, और जैसा कि आप सभी को पता है अभी विंटर का सीज़न है तो ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से लीव्स दे रहा है। और ये रही हमारे पास बॉस्टन फर्न की वैरायटी। फर्न्स को लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी लगाएं तो इसकी लीव्स टच ना हो ग्राउंड से, नहीं तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये ड्राई आउट होने लग जाएंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लीव्स को काफ़ी ऊपर लगाया तो ये ड्राई आउट नहीं हो रही। अगर वीडियो अच्छा